स्टाफ कोच या मैनेजर प्लीज आप वहाँ नहीं रहेंगे। गेम के गेम का ही एक पार्ट है, खेल को बंद नहीं किया गया, इसलिए आप बाहर आ जाए प्लीज। के लिए वहाँ पर तैयार होते हुए नेमार माटी रंगा स्पोर्टिंग के जर्सी नंबर 7, सामने होंगे तरुण मासो गोलकीपर मामा स्पोर्टिंग रांची। काफी रोमांचक क्षण होता ही है। बहुत ही शानदार शुरुआत दिला दिया यहां पर नेमार माडी ने, बिल्कुल पूरी तरह से चकमा दे दिया। आसानी के साथ यहां पर बहादुर को बीट करते हुए प्राप्त करते हुए रंगला दूसरे किक रंगा स्पोर्टिंग की ओर से जर्सी नंबर 9 नसीब सरदार और नसीब सरदार ने भी यहां पर बहुत ही असरदार किक लगाई, आसानी के साथ गोल में तब्दील करते हुए अपनी किक को मामा स्पोर्टिंग की ओर से जाते हुए अपना घर की तरफ का गुजू गुजू कर रहे जर्सी नंबर 14 जीत का। आगेशाली रहे यहाँ पर इंद्रजीत, क्रॉस बार से टकरा कर इन साइड में चली गई और गोल में समा गई गोल। पिछली किक होगी ये रंगा स्पोर्टिंग की ओर से जर्सी नंबर 5 कुंवर टूडू के द्वारा। किक लेने वाले तो काफी शानदार किक ले रहे हैं, लेकिन दोनों गोलकीपर अभी तक असर नहीं दिखा पाए अपना। कुआ टूडू और काफी तेज गति के साथ ये किक ले गई, ये भी गोल में कुंवर टूडू के द्वारा। अपने गोलकीपर का हौसला बढ़ाते हुए कुंवर टूडू बहादुर सोरेन वहां पर सामने होंगे और उनको किक लेंगे गोलकीपर मामा स्पोर्टिंग के तरुण मातो। शानदार
बहुत ही शानदार थी तरुण के द्वारा। तो तीन किक के बाद यहां भी बराबरी पर मामला चलता हुआ, 3-3 का स्कोर। नंदू सरदार और इस बार यहां पर असर दिखाया है। जी हां, सरदार साबित हुए हैं तरुण कुमार मातो। शानदार बचाव, इसका सेव भी होता है कभी कभी। रामू हेम्ब्रम चौथे की पहले नहीं आता था, लेंगे मामा स्पोर्टिंग की ओर से। बहादुर सरन होंगे सामने। फिलहाल संदीप को अपने पहले मैच में विजयी होकर अगले राउंड में प्रवेश कर चुकी है।